नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फिर मैं एक चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये चटनी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से चटनी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम आंवला, और इसे काट लिए हैं, इसका पल्प निकाल लिए हैं और बीज हटा दिए हैं। और 200 ग्राम धनिया लिए हैं, हरा धनिया, इसे भी चॉप कर लिए हैं, देखिए इस तरह का। 1 इंच अदरक का टुकड़ा को कूट लिए हैं। 3 हरी मिर्च, आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं। 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच नमक, और देखिए इस तरह से इसका पल्प निकाल लिए हैं। देखिए इसी तरह से सारे काट कर और बीज निकाल दिए हैं। तो चलिए अब चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पर एक पैन अथवा तड़का पैन डालकर गैस ऑन कर लेते हैं। अब इसमें डालते हैं 1 बड़े चम्मच तेल, और तेल को गर्म होने देते हैं। तब तक हम ये हरी मिर्च जो रखे हैं इसे मोटे मोटे टुकड़े में काट लेते हैं। अब तेल गर्म हो चुका है, अब हम डालते हैं इसमें जीरा, और जीरा को चटकने देंगे। तो जीरा चटक चुका है, गैस का फ्लेम लो कर लेते हैं और इसमें हरी मिर्च डालते हैं, और हरी मिर्च को थोड़ी देर पकने देते हैं। फिर इसमें डालते हैं अदरक जो हम कुटे हैं, कुट कर रखे हैं, और इसे मिला लेते हैं इस तरह से। अब ये तड़का तैयार हो चुका है, इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे जिसमें हम चटनी पीसेंगे उस जार में रख लेते हैं, और इसमें डाल लेते हैं आंवला। अब इसमें धनिया डाल लेते हैं, आधा डालेंगे अभी, आधा बाद में डालकर पीसेंगे, नहीं एक ही बार में नहीं अटेगा इतना धनिया, इस जार में छोटा सा है। अब इसमें नमक डालकर और इसका ढक्कन लगाकर पीस लेते हैं। तो देखिए बाकी का धनिया भी डालकर मैंने चटनी को पीस लिए हैं। अब चटनी रेडी हो चुकी है, तो निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो लीजिए हमारी हेल्दी चटपटी टेस्टी चटनी तैयार है। आप इसे किसी भी समय सर्व कर सकते हैं, जैसे लंच, डिनर अथवा नाश्ते के समय किसी भी डिश के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है और हेल्दी तो है ही। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, और आप इसे 7-8 दिन तक फ्रिज में रख कर खा सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा लंबे समय तक आपको चलाना है तो आप इसे कोई छोटी कटोरी अथवा आइस क्यूब हम जिसमें जमाते हैं उसमें भर कर रख लेंगे, और जमा कर रख लेंगे तो हम बहुत लंबे समय तक इसे चला सकते हैं। तो आप ये चटनी बनाइए और खाइए, और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।